फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरग्रीन बुटीक। होप यू ऑल आर फाइन। और आज की वीडियो में मैंने रीस्टॉक किया है आर मुकेश और रिंग मुकेश। ये न्यू शेड्स आए थे तो मैंने सोचा मैं वीडियो कर लूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे और पिक्स में आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ पा रहा था, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो कर रही हूँ। अभी किसी को भी ऑर्डर करना है तो प्लीज़ जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लीजिएगा और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा, क्योंकि रीस्टॉक होने में एटलीस्ट 2 वीक्स फिर लग जाएंगे। तो अब चले मैं आपको दिखाना शुरू करती हूँ। इसमें आर मुकेश मतलब होता है आरी वर्क, जो होता है थ्रेड से जो वर्क होता है वो आर मुकेश होता है। और नॉर्मल ये वाले जो वर्क है ये रिंग मुकेश है, इसके ऊपर रिंग टाइप मुकेश वर्क होता है। प्राइस आपको स्क्रीन पर ही मेंशन हो जाएंगे, फ्री शिपिंग रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये डार्क पर्पल शेड है और ये आरी वर्क के साथ है, थ्रेड वर्क विद मुकेश वर्क। आप थ्रेड का डिज़ाइन चेक करते रहिएगा, ये इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से इसके ऊपर थ्रेड वर्क है और थ्रेड वर्क के साथ ये मुकेश वर्क आ रहा है। ये आपको सिल्वर ग्लिटरी जितना शो रहा है ये सब मुकेश वर्क है। बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये वाले पीसेस। ये 2 पीस है, शर्ट एंड दुपट्टा। तो ये इसका फ्रंट साइड है, ये दामन का बॉर्डर है इस तरह से। और बैक साइड में शो कर देती हूँ, इसके ऊपर बैक साइड पे बूटे आने हैं और ये स्लीव्स का बॉर्डर होता है इस तरह। तो ये फ्रंट साइड और बैक साइड मैंने आपको शर्ट का शो कर दिया। इसके दुपट्टे के ऊपर बूटे आते हैं और पल्लू के ऊपर वर्क होता है, बॉर्डर होता है। ये 2 पीस है, शर्ट और दुपट्टा। देखें इस तरह से इसके दुपट्टे के पल्लू पे बॉर्डर आ गया और बीच में पूरी बूटे पड़े हुए हैं। तो ये इसका दुपट्टा इस तरह का है। सारे ही सूट्स का पैटर्न सेम रहने वाला है, आप थ्रेड का वर्क और कलर चेक कर लें, पैटर्न एकदम सेम है। तो ये डार्क पर्पल कलर है, ये गोल्डन शेड है इसमें। ये शेड ऐसा है कि आप उपटन में भी यूज कर सकते हैं, येलोइश गोल्डन है थोड़ा। और वीडियो में थोड़ा लाइट ही लग रहा है, डार्क है। इस तरह से इसके ऊपर थ्रेड वर्क आ रहा है। अब आप इसका डिजाइन चेक कर लें, बैक साइड का सेम पैटर्न है, बूटे आ जाएंगे और स्लीव्स के ऊपर बॉर्डर आना है कुछ इस तरह से। और दुपट्टे का भी यही पैटर्न आएगा, दुपट्टे के पल्लू बने होंगे ब्रॉड बॉर्डर पैटर्न में इस तरह कुछ, और बीच में सब ये बूटे आने हैं। तो ये दुपट्टा हो गया और शेड नंबर 2 हो गया है। ये ब्लैक शेड है, ये ब्लैक कलर आ गया। इसका डिजाइन भी आप चेक कर लें, और बैक साइड पे बूटे आने हैं और स्लीव्स पे बॉर्डर। और ये दुपट्टे का डिजाइन है, बॉर्डर आ रहा है दुपट्टे पे इस तरह मुकेश वर्क के साथ, और पूरे दुपट्टे पे आपको बूटे मिल जाएंगे। तो ये ब्लैक शेड हो गया। अब ये फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर है, ये देखिए इसका फ्रंट साइड का वर्क चेक कर लिया,
थ्रेड वर्क के साथ मुकेश वर्क आर मुकेश के सूट्स है ये सारे। शर्ट दुपट्टा बैक साइड पे बूटे आने हैं और स्लीव्स के ऊपर बॉर्डर आएगा। ये स्लीव्स का बॉर्डर हो गया है। और सेम पैटर्न में दुपट्टा आएगा, दुपट्टे के पल्लू पे ब्रॉड बॉर्डर है। अभी मैं आपको शो कर देती हूँ, ये देखिए ये दुपट्टे का बॉर्डर आ गया और पूरे दुपट्टे पे बूटे आने हैं। तो ये फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर हो गया है। अभी किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये देखिए ये पीच कलर है। सभी न्यू शेड्स है क्योंकि ये बड़े डिमांडिंग पीसेज रहते हैं शर्ट दुपट्टा मुकेश में। इसका आप डिजाइन चेक कर लीजिए। और ये नेकलाइन पे इस तरह से वर्क आ रहा है, सारा हैवी मुकेश वर्क है इसके ऊपर। बैक साइड पे बूटे हैं और ये स्लीव्स का बॉर्डर आ गया। ये देखिए आप, काफी हैवी मुकेश वर्क है सारे ही पीसेस पे। दुपट्टा सेम होने वाला है, बॉर्डर है और फिर पूरे दुपट्टे पे बूटी आ जाएगी। तो ये डार्क पीच कलर हो गया है। ये काही ग्रीन कलर है। ये इसका फ्रंट साइड इस तरह से हैवी वर्क है इसके ऊपर भी थ्रेड वर्क के साथ मुकेश वर्क। बैक साइड पे बूटे हैं और स्लीव्स के ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। ये दुपट्टे पे इस तरह बॉर्डर है। तो ये काफी डार्क ग्रीन शेड में आ गया, बोटल ग्रीन टाइप है। ये देखें ये ब्लू शेड है। और इसका भी आप डिजाइन चेक कर लें। इस तरह से इस पे वर्क आ गया, बैक साइड पे बूटे आने हैं और ये स्लीव्स का बॉर्डर आ गया। और ये इसके दुपट्टे का पल्लू के ऊपर वर्क है इस तरह। तो ये ब्लू शेड है। अब एक इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर व्हाइट थ्रेड वर्क है। इस तरह इसका डिजाइन आ रहा है और इसके ऊपर भी आपको मुकेश वर्क मिल जाएगा थ्रेड वर्क के साथ। ये सब मुकेश वर्क हो रहा है और ये स्लीव्स पे वर्क आ गया। और ऐसे बैक साइड पे बूटे आने हैं। इसके दुपट्टे का भी बिल्कुल सेम पैटर्न आ जाएगा, ब्रॉड बॉर्डर आएगा और फिर पूरे दुपट्टे पे बूटे आ जाएंगे। आप डिजाइन चेक करते रहिएगा। ये इस तरह से है। अब एक ये पर्पल शेड है, ये लाइट पर्पल में है।
ये आप देखिए इसकी फ्रंट साइड का डिजाइन है। और ये नेकलाइन के ऊपर डिजाइन और वर्क चेक कर लीजिए। ये फ्रंट साइड दिखा दिया मैंने आपको, बैक साइड पे बूटे आने हैं और स्लीव्स पे बॉर्डर है। आप इसके बस फ्रंट का डिजाइन चेक करें, कलर कंट्रास्ट देख लें। ये दुपट्टे पे बॉर्डर आ गया और बूटे हैं ऊपर तक। ये हॉट पिंक टाइप कलर है, बड़ा डार्क सा पिंक शेड है। ये रेड भी नहीं है ना मरून है, बस थोड़ा डिफरेंट पिंक शेड आ रहा है ये। इस तरह इसकी स्लीव्स पे वर्क आ जाएगा। और अब मैं आपको फ्रंट साइड दिखा दे रही हूँ। ये फ्रंट साइड है इस तरह से। और अब दुपट्टा चेक कर लीजिए। ये दुपट्टे पे बॉर्डर है। तो यहां आर मुकेश के, आरी वर्क विद मुकेश वर्क के सारे पीसेस कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको रिंग मुकेश दिखा देती हूँ, उसके भी सारे ही शेड्स न्यू आए हैं। ये देखें, ये रिंग मुकेश है, ये पर्पल कलर है। इसके फ्रंट साइड के ऊपर हैवी मुकेश वर्क होता है, इस पे थ्रेड वर्क नहीं होता। ये पूरा आपको जितना भी शो रहा है ये सिर्फ मुकेश वर्क है और हैवी फ्रंट होता है, सब हैंडवर्क होता है। इस तरह से ये सब फ्रंट हो गया और बैक साइड के ऊपर कहीं कहीं दूर दूर छीटी पड़ी, छीट टाइप पड़ा होता है। और ये स्लीव्स आ गई। मैं स्लीव्स आपको प्लेन स्टफ पे करके दिखाती हूँ क्योंकि आई थिंक समझ नहीं आ रहा होगा ऐसे। ये देखें, ये स्लीव्स के ऊपर वर्क आ गया, ये सब इस तरह से हैवी वर्क आ गया स्लीव्स पे। और दुपट्टे का भी यही पैटर्न है, दुपट्टे के ऊपर दूर दूर मुकेश हुआ हुआ होगा और बॉर्डर होगा दुपट्टे का। यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नेकलाइन से। ये दुपट्टे के ऊपर बॉर्डर बने हुए हैं। ये इस तरह दुपट्टा आ गया। अब ये रेड कलर है। इसका आप डिजाइन चेक कर लें नेकलाइन का। और ये भी फुल मुकेश वर्क में है, थ्रेड वर्क नहीं है, ये रिंग मुकेश कहलाता है। ये फ्रंट हो गया है, देखें इस तरह से कुछ इस पे वर्क हुआ हुआ है। और ये दुपट्टे के बॉर्डर बने हुए हैं, ये रेड कलर हो गया। अब एक ये शेड है, ये ब्राउन कलर में कह सकते हैं। या फिर ये देखिए आप, ये कुछ ये शेड है, कोक कलर टाइप है ये।
और नेकलाइन का डिज़ाइन इसका बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। इस तरह से नेकलाइन पे मुकेश वर्क हो रहा है और हैवी फ्रंट के ऊपर वर्क है। और इसके भी दुपट्टे के बॉर्डर बने होंगे इस तरह। तो ये डार्क कोक कलर हो गया है। अब ये देखिए ये पिंक शेड आ गया। इस पे इस तरह से जाल वर्क है। इस पे इस तरह से वर्क आ रहा है नेकलाइन के साथ। फ्रंट जाल वर्क है और दुपट्टे का पैटर्न वो सेम ही रहने वाला है। दुपट्टे के बॉर्डर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पिंक कलर हो गया है, डार्क पिंक कलर है। अब ये लास्ट शेड आ गया इसमें, ये जामनी कलर है, डार्क पर्पल वाला शेड। इसके नेकलाइन का डिजाइन भी बिल्कुल डिफरेंट है और पर्पल शेड्स में काफी लोग डिमांड कर रहे थे। तो प्लीज अभी किसी को भी ऑर्डर करना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लेके व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। ये फ्रंट साइड का डिज़ाइन है और स्लीव्स पे हैवी वर्क आ जाएगा इस तरह। और इसके भी दुपट्टे के बॉर्डर बने हुए हैं। ये दुपट्टे पे वर्क आ गया। तो ये डार्क पर्पल शेड हो गया है। अभी मैंने आपको आई थिंक 15 पीसेस दिखा दिए आर मुकेश और रिंग मुकेश के। अभी किसी को भी ऑर्डर करना है तो प्लीज़ जल्दी से स्क्रीनशॉट्स लें और व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। ये अभी मेरे पास यही स्टॉक है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रीस्टॉक होगा, तब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। और तब तक के लिए किसी को भी ऑर्डर करना है तो इसमें से कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एवर ग्रीन बुटीक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।